ये भी एवरग्रीन प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, बोलने को ब्राउन है मगर इसका जो आप बेस देखेंगे बाकी सब कलर से हट, वायरसों में आपको बैंड देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ आपको अशोका ब्राउन जैसा ही लगेगा मगर प्राइसेस भी मीडियम प्राइसेस से ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर अग्रवाल ओपी मार्बल से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं हम इसमें आपको ग्रे कलर दिखाएंगे जो कि साउथ के हैं, जो आपके घर के फ्लोरिंग के लिए, स्टेज के लिए, एलिवेशन के लिए, विंडो फ्रेमिंग के लिए, पार्किंग के लिए मल्टीपर्पज प्रोडक्ट्स है, हाईली ड्यूरेबल है। ग्रे में जैसे कि ग्रेनाइट में आप देखेंगे कि लिमिटेड ऑप्शन है, हमारे पास कम से कम 10 से 12 कलर है जो आज हम इसको वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं और सब यूनिक कॉन्सेप्ट पे है। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ कॉमन आएगा, सब में कुछ ना कुछ यूनिक पन आएगा और सारे साउथ के कलर्स हैं। अभी जो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो बेसिकली इम्पोर्टेड में भी आप देखेंगे तो ग्रे का डिमांड ज़्यादा है, वैसे ग्रेनाइट में भी अभी ग्रे की डिमांड बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ चुकी है। अगर आप जैसे कोई ग्रे टाइल्स ले रहे हैं या ग्रे बेज इंपोर्टेड ले रहे हैं और आप स्टेज के लिए कोई ग्रे ग्रेनाइट देख रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन हम दिखाने जा रहे हैं। आज जो आप पहला प्रोडक्ट देख रहे हैं यह है अशोका ब्राउन, बोलने को ब्राउन है मगर इसका जो आप बेस देखेंगे ये बेस ग्रे है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उड़ीसा का ये प्रोडक्ट है। थिकनेस इसकी 17-18 mm थिकनेस रहती है, लाइनर पॉलिश पे रेडी हुआ हुआ है, बहुत हाई ग्रॉस मटेरियल है। अगर आप स्टेज के लिए कोई लाइट ऑप्शन देख रहे हैं ग्रे के लिए या एलिवेशन में विंडो फ्रेमिंग के लिए तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसकी जो प्राइसेंस रहने वाली है वो अराउंड 190 से लेकर 220 तक रहने वाली है। इसके प्राइसेंस यूनिफॉर्म मटेरियल आएगा, पूरा सिमेट्रिक मटेरियल आएगा, कोई भी इसमें आपको कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं आएगा। अगर हम इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन या फ्यूचर में कोई क्रैक की बात करें तो इसमें कुछ भी नहीं है। उड़ीसा के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो बहुत हार्ड आते हैं तो उसमें आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। ये आपका अशोका ब्राउन उड़ीसा का 18 mm थिकनेस में, जिसकी प्राइस रेंज है 190 से लेकर 220 तक। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, आधुनिक ग्रे बैंगलोर का, मगर बहुत ज़्यादा डिमांड में और सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं वो ये आधुनिक ग्रे है। ये इसकी जो थिकनेस है वो 18 mm थिकनेस में है, 100% नेचुरल है। इसका जो ग्रेन है बहुत बारीक ग्रेन है। इसकी जो प्राइस रेंज रहने वाली है वो 130 से लेकर 150 के बीच में रहेगी प्राइस रेंज। अभी जो आप पीस देख रहे हैं देखिए पूरा यूनिफॉर्म पीस है, कहीं भी स्पॉट भी नहीं है, फ्रेश मटेरियल आता है, लाइनर पॉलिश का मटेरियल है। ये बेसिकली विंडो फ्रेमिंग में एलिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अगर आपको कुछ नॉर्मल कुछ ज़्यादा हटके नहीं लगाना है तो आप ये चीज़ देखिए, बहुत अच्छा है। ये आधुनिक ग्रे बैंगलोर का 18 mm थिकनेस में, प्राइस रेंज जो रहने वाली है 130 से लेकर 150 के बीच में रहेगी, 100% फ्रेश मटेरियल। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये स्टील ग्रे है, ये माटूर का प्रोडक्ट है, ये भी एवरग्रीन प्रोडक्ट है। आपने कई जगह देखा हुआ होगा और ये हर जगह अवेलेबल है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, कलर टोन एकदम यूनिक है, इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है अभी तक मार्केट में। लाइनर पॉलिश प्रोसेस्ड है, 18 mm थिकनेस में आता है। इसकी जो प्राइस रेंज है बहुत ज़्यादा वेरी करती है, ये आपको 100 rupees से लेकर 130 तक मिल जाएगा, डिपेंड कि इसकी एक्यूरेसी मटेरियल की कैसी है। अभी जैसे आप ये चीज़ देख रहे हैं पूरा यूनिफॉर्म मटेरियल है, लाइनर पॉलिश है, इसमें हैंड पॉलिश का मटेरियल बहुत आता है तो आपको वो 90 से लेकर 100 के बीच में मिल जाएगा। अगर यूनिफॉर्म माल नहीं है तो और भी कम में मिल जाएगा। बाकी लगने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है, ज़्यादातर ये विंडो क्लैडिंग एलिवेशन पार्किंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्टेज में भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। मीडियम रेंज का प्रोडक्ट है, वाटर एब्जॉर्प्शन का, स्टेन का, क्रैकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हाईली ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। स्टील ग्रे है माटूर का, 18 mm थिकनेस में, जिसकी प्राइस रेंज रहने वाली है 100 से लेकर 130 rupees पर स्क्वायर फीट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये लेवेंडर ब्लू है, उड़ीसा का कलर है, आप इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, बाकी सब कलर से हटके है, 18 mm थिकनेस में आता है, लाइनर पॉलिश प्रोडक्ट है। इसकी जो प्राइस रेंज रहने वाली है वो 155 से लेकर 180 के बीच में रहेगी, डिपेंड मटेरियल कैसा है। अभी जैसे कि ये प्रीमियम मटेरियल आप देख रहे हैं तो इसकी प्राइस रेंज 170 से 180 के बीच में रहेगी। अगर इसमें स्पॉट आ जाता है या कोई कलर शेड वेरिएशन आ जाता है उसकी प्राइस रेंज कम हो जाएगी। अगर ये आप फ्लोरिंग में भी चाहें तो फ्लोरिंग में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और बाकी तो आप जो हम देख ही रहे हैं स्टेज के लिए, विंडो फ्रेमिंग के लिए कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन का और स्टेन का, क्रैक का कोई इशू नहीं आएगा। यह है अपने लेवेंडर ब्लू उड़ीसा का 18 mm थिकनेस में, जिसकी प्राइस रेंज रहेगी 155 से लेकर 180 के बीच में, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये है सिल्वर डायना, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे है। आप इसका कलर टोन देखिए, आपको इटालियन में भी ये कलर टोन इजीली देखने को नहीं मिलेगा, 100% नेचुरल कलर है, 20 mm थिकनेस में, वायरसो प्रोसेस है, वायरसो में आपको बैंड देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहें तो पूरे पीस को एक साथ पूरे फ्लोर पर भी लगा सकते हैं, स्टेज इसकी नो डाउट बहुत ही एलिगेंट बनने वाली है। थोड़ा सा इसका प्राइस बाकी प्रोडक्ट से हाई रहेगा बिकॉज ऑफ गैंगस्टर साइज एंड थिकनेस, अभी इसकी थोड़ी स्कैर्सिटी है मटेरियल की,
अदरवाइज इसका जो डिमांड है अभी भी उतना ही का उतना ही है, बहुत अच्छा डिमांड है और अच्छी क्वांटिटी में अपने पास अवेलेबल है। ये कॉन्सेप्ट आपको मतलब और कोई भी ग्रेनाइट आप देखेंगे तो उसमें नहीं है, बाकी सब आपको कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उसका सब्सटीट्यूट मिल जाएगा। पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट का अगर अपन देखें कोई सब्सटीट्यूट अपने को चाहिए तो नहीं मिल पाएगा। इसकी जो प्राइसेंस रहने वाली है वो 350 से लेकर 400 के बीच में इसकी प्राइसेंस आएगी। आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एब्जॉर्प्शन का, स्टेन का, कलर फेड होने का, या अगर हम सोचते हैं मोल्डिंग में कोई इश्यू आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लोरिंग आइटम भी है, स्टेयर्स कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सिल्वर डायना उड़ीसा का जो 20 mm थिकनेस में है, प्राइसेंस जो इसकी रहेगी 350 से लेकर 400 के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये सिल्की सिल्वर है, ये अपने उड़ीसा का प्रोडक्ट है, 18 mm थिकनेस में आएगा। ये कुछ आपको अशोका ब्राउन जैसा ही लगेगा, मगर अशोका ब्राउन का जो पैटर्न आता है वो पूरा स्ट्रेट आता है, सिल्की सिल्वर का जो पैटर्न आता है वो थोड़ा रैंडम आता है। इसकी प्राइसेंस अशोका ब्राउन से थोड़ी कम भी रहेगी, इसकी प्राइसेंस 170 से लेकर 190 के बीच में इसकी प्राइसेंस रहने वाली है। बाकी अगर अपन अशोका ब्राउन से कंपेयर करें तो इस माल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वाटर एब्जॉर्प्शन, ग्लॉस, थिकनेस सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ा क्वेरी अलग है और यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ताकि उसका परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। रेट वाइज अगर अपने को 10-20 रुपये का इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, फ्लोरिंग में भी लगा सकते हैं, स्टेज में भी लगा सकते हैं, एब्जॉर्प्शन का, क्रैक का कोई भी इशू नहीं आएगा। ये उड़ीसा का सिल्की सिल्वर प्रोडक्ट है जिसकी प्राइसेंस आएगी 170 से 190 के बीच में, 18 mm प्लस थिकनेस में आएगी, 100% फ्रेश मटेरियल। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये सेरा ग्रे है बेंगलोर का, ये ग्रे में बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एकदम बारीक ग्रेन है, बाकी सबका जो टेक्सचर है और जो ग्रेन है वो बहुत बड़ा है। इसका जो टेक्सचर और ग्रेन है एकदम स्मूथ और फाइन ग्रेन का है, 100% नेचुरल है, सिमिलर आता है, लास्ट तक ऐसा ही आएगा ये पूरा मटेरियल। इसकी जो प्राइसेंस रहने वाली है वो आपके अराउंड 145 से लेके 170 तक है, डिपेंड फ्रेशनेस मटेरियल की। लाइनर पॉलिश है, 18 mm थिकनेस है, बैंगलोर का ये प्रोडक्ट है, इसमें एक सेटिंग मटेरियल भी आता है जो 130 से 150 के बीच में मिल जाएगा। बाकी अभी जो आप देख रहे हैं प्रीमियम मटेरियल है, ये फ्लोरिंग स्टेयर्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये है मुद्गल ग्रे, ये इल्कल का प्रोडक्ट है, 18 mm थिकनेस में है। आधुनिक ग्रे और मुद्गल ग्रे में थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है और थोड़ा सा ग्रेन मुद्गल ग्रे का बड़ा आता है कंपेरेटिवली आधुनिक ग्रे से। बाकी आप मटेरियल की यूनिफॉर्मिटी देखिए, बहुत अच्छी यूनिफॉर्मिटी है, 18 mm थिकनेस में आता है, लाइनर पॉलिश का ये प्रोडक्ट है, हाईली ड्यूरेबल है, आउटर एरिया के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सजेस्टेबल है, आप इजीली लगाइए, वाटर एब्जॉर्प्शन, स्टेन एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं रहेगा, रस्टिंग का प्रॉब्लम हो गया आपको, क्रैक पड़ने का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहेगा। इसकी प्राइसेज भी मीडियम प्राइसेज से ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है, 130 से लेकर 145 की रेंज का प्रोडक्ट है। साउथ में अपने को ये रेंज मान के चलो कि सही रेंज है, ये 125-30 से लेकर 150 की रेंज में अपने को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर लाइट कलर आप फ्लोरिंग के लिए देख रहे हैं, कहीं के लिए भी देख रहे हैं अपने घर के एलिवेशन के लिए, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मुद्गल ग्रे इल्कल का 17-18 mm थिकनेस में 130 से लेकर 150 तक इसकी प्राइसेज रहे हैं। ये साउथ के ग्रे कलर पे थे, कुछ यूनिक पैटर्न्स हमने आपको दिखाए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रे में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं, फिर भी हम आपके लिए 8 से 10 कलर मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैटर्न्स आपके घर के एलिवेशन, स्पेस, फ्लोरिंग, विंडो क्लैडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और इन प्रोडक्ट्स के लेदर भी हमारे पास अवेलेबल है, ताकि अगर आप आउटर एरिया के लिए देखते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 7737931531 और हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।